दिल्ली नगर निगम का चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है। पंच परमेश्वर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम करके, मैं ये कहूंगा कि जयघोष कर दिया है। हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सुनील राणा साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सुनील राणा साहब, लगभग चुनावी बिगुल बज चुका है। बिल्कुल, हमारे जो अधिकारी हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने रामलीला ग्राउंड के अंदर नड्डा जी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी और रैली सफल कार्यक्रम हुआ है उसमें। कितना कामयाब मानते हैं इस कार्यक्रम को? 100% कामयाब हुआ है। अंदर से पूरे ग्राउंड भरा हुआ था, बाहर रोड भी भरा हुआ था जी, और सब कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पूरी विधानसभा से कार्यकर्ता हमारे बाहर विधानसभा पहुंचे हैं और आने वाली लड़ाई हम जीतेंगे। दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें तो माहौल किस तरीके का बना हुआ है? क्या भाजपा के पक्ष में है? माहौल भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि जो पीछे इन्होंने अनेक घोटाले सरकार ने किए हैं पीछे, वो जनता के पूरे ध्यान में है। और अभी भी हम ये मांग उठा रहे हैं कि जो जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और पार्टी के खिलाफ, जनता जागरूक है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जरूर जिताएंगे। अरविंद केजरीवाल का जादू चल रहा है या खत्म है? कोई जादू नहीं चल रहा है। बिजली का उठा लीजिए आप, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, सब में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और जितनी एजेंसियाँ हैं सब उनसे पूछताछ कर रही हैं। कुछ इनके कार्यकर्ता जो मंत्री हैं जेल में भी हैं जी, और पूरी दिल्ली को इन्होंने बेच खाया है और पूरे भ्रष्टाचार से पूरा इन्होंने अपना जो है भर लिया है, और आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। सुनील राणा साहब, बात करें बाबरपुर विधानसभा, बाबरपुर विधानसभा में चार वार्ड में बाबरपुर वार्ड खत्म, कर्दमपुरी वार्ड और सबसे बड़ा वार्ड। जी हाँ, बाबरपुर वार्ड हमारा जो है इसका नाम कर्दमपुरी वार्ड कर दिया है, और आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। बाकी कर्दमपुरी वार्ड जो है हमारा, बारू वार्ड खत्म कर दिया है, इसका नया नाम कर्दमपुरी वार्ड रख दिया है। तैयार है चुनावी के लिए? हाँ, पूरा तैयारी है, बुजुर्ग बच चुका है जी। जिले की तरफ से भी कार्यक्रम आ रहे हैं और कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ है। आपकी कितनी तैयारी है? हमारी सभी कार्यकर्ता की तैयारी है, हमारी भी तैयारी है। केवल इंतजार हो रहा है कि सीटों का रोटेशन आ जाए, उसके बाद पूरे फुल लेस से हम बिल्कुल तैयार हैं। पार्टी कितना आप पर, क्या नाम है, विश्वास रख रही है? पार्टी हमारे पे, कार्यकर्ताओं पे, जो भी हैं सब पे विश्वास रख रही है, और आने वाले समय में जरूर हम सीट को जीतेंगे और किसी अच्छे कार्यकर्ताओं को जो टिकट मिलेगी इसमें। लगभग शुरू से आपको कितने साल हो गए पार्टी के अंदर सेवा करते? मुझे 35 साल के करीब इस संगठन में काम करते हो गया है, और मैं पूरी ईमानदार निष्ठा से जो भी संगठन में काम होता है उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। सुनील राणा साहब, 35 साल का सफ़र कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा सफ़र होता है। पार्टी ने अब तक ध्यान नहीं दिया, क्या उम्मीद है इस बार ध्यान देगी? नहीं, पूरी उम्मीद है मेरे को पार्टी ध्यान देगी, क्योंकि 15 साल से महिला रिजर्व सीट चलती आ रही है हमारी, ये 10 साल ऐसी रिजर्व रही है जी। तो मैं पार्टी को नहीं मानता, हमारा काम संगठन का है, हम ईमानदारी से पूरा काम कर रहे हैं। ये पार्टी को डिसाइड करना है कि टिकट किसे दे, बाकी हम चाहते हैं कि अच्छे किसी कार्यकर्ता को टिकट दे जो इस वार्ड को जिता सके। अच्छे कार्यकर्ता तो आप भी हैं, तो आप क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल, मैं भी हूँ, मैं इसमें सभी पुराने कार्यकर्ता हम भी हैं जी। पार्टी जिसको भी डिसाइड करेगी इसको हम चुनाव जितवा के लाएंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयारी है, 100% तैयारी है। तो ये थे हमारे बीच में सुनील राणा साहब, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 35 साल हो गए पार्टी की सेवा करते हुए, इन 35 सालों के अंदर इन्होंने अच्छा बुरा सब कुछ देखा, घर घर गए, घर घर हर घर से वाकिफ हैं। कर्दमपुरी वार्ड, बाबरपुर वार्ड खत्म होकर कर्दमपुरी वार्ड नया वार्ड बन चुका है, वार्ड भी बड़ा है। फैसला एक पार्टी ने करना है कि टिकट किसको देती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।